JK24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुजम्मिल रजब। अभी हम पुलवामा डी शॉप में मौजूद है। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशार कयूम साहब हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछेंगे जो आज नए तर्ज के पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, उस किस हवाले से बनाए गए, उस हवाले से उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है सर। तो आप हमें बताइए सर, जो नए तर्ज के जो पुलिस स्टेशन इनकार किए गए हैं, उस हवाले से आप थोड़ा बताइए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्शन रहते हैं। एक तो हमारा स्वीप कैंपेन जो चलता है कि जितने हमारे इलेक्टर्स हैं उनको उन तक पहुंचे और जो इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा से ज्यादा हो, उसी को इंक्रीज करने के लिए हमने अपने चार असेंबली सेगमेंट्स में एक पोलिंग स्टेशन, हर एक असेंबली सेगमेंट जिसको पिंक या वुमेन मैन पोलिंग स्टेशन बोलते हैं, ऐसा रखा है ताकि हमारे जो 50% इलेक्टर्स हैं वो वुमेन हैं, उनको इंस्पायर करने के लिए और ताकि वो आए उस दिन 13 तारीख को पोलिंग स्टेशन तक और अपने वोट कास्ट करें। उसके साथ साथ हमारे PWD जो इलेक्टर्स हैं उनके लिए भी हर एक असेंबली सेगमेंट में एक पोलिंग स्टेशन है जहां पे हमारे डिफरेंटली एबल्ड जो है पोलिंग पार्टी रहेगी और हर एक पोलिंग स्टेशन पे उसके अलावा भी वहां पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज हैं हमारे डिफरेंटली एबल्ड इलेक्टर्स के लिए, जैसे रैंप है, व्हील चेयर है या बाकी जो जरूरत होती है वो वहां पे है। और यूथ के लिए भी, क्योंकि यूथ हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, और यूथ मैन पोलिंग स्टेशन रखें ताकि हमारे जितने फ्रेश या फर्स्ट टाइम इलेक्टर्स हैं वो उस दिन वोटिंग वाले दिन आए पोलिंग बूथ पे और